तो मुझे समझ में आ गई कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा है कि कहीं जो स्ट्रेटजी है वो उसको मिलनी चाहिए कि कैसे पढ़ना है और कैसे उन बातों पर फोकस करना है जिससे सिलेक्शन हो। अदरवाइज 3 साल में तो आदमी कितना सिलेबस पढ़ देगा, इतना सिलेबस तो है भी नहीं ना। तो फिर उसको अलग से टाइम दिया, थोड़ा समझाया कि भाई आप इन चीजों पर फोकस करो, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ो, इस तरह से पढ़ना है। सेल्फ स्टडी में अगर आप 5 घंटे नहीं निकाल पा रहे लेकिन 1-2 घंटे क्वालिटी टाइम लेकिन जैसे ही फोकस बना 3-4 महीने में एग्जाम निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई स्टूडेंट डायरेक्टली पहले दिन से फोकस, उसको बाय डिफॉल्ट सही गाइडेंस और सही चीजें मिल गई और सही लेवल में कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 3-4 महीने में धुआं मतलब आधी तरह आया तूफान में निकल गया। ऐसा होता है आपके साथ में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और कोई कोई ऐसा है 3-4 साल से पढ़ ही रहा है समझ में नहीं आ रहा कैसे करना। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को रीचेक करो। और ये ऐसा नहीं कि हम आप में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है लेकिन जब तक आपको फोकस नहीं है ना तो उसका कोई फायदा नहीं। बस घमंड में ना करें कि यार मैं नाम बिटा है। अरे बिटा है अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो क्या बिटा है आपका? तैयारी करना मतलब आपका फिर 2 महीने निकाल दो जब आपको ऐसा है कुछ है तो एजुकेशन बैकग्राउंड का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क पड़ता है कि जो जरूरत वाली चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, चाहे रीजनिंग है चाहे क्वांट है। आप कितने क्वांट में एक्सपर्ट हैं लेकिन आप पेपर नहीं कर पाते तो क्या ही फायदा उसका। कितने भी आप लॉजिकल इंसान है लेकिन आप रीजनिंग का क्वेश्चन गलत कर जाते हैं तो क्या ही लॉजिकल इंसान है आप। जो जरूरत वाली चीजें वो आपकी होनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो एक बार स्कूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपसे 2-3 लोगों से बात की थी। लाइट नहीं क्या?